तभी हम यहाँ देखते हैं सुजुने का भाई स्टूडेंट काउंसिल की सीट से रिजाइन कर देता है और उसकी जगह सेकंड ईयर की क्लास ए का स्टूडेंट नागुमो स्टूडेंट काउंसिल का नया प्रेसिडेंट बन जाता है। तब थोड़ी देर बाद कात्सुरागी आयानकोजी की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होके उसकी तारीफ करता है और उसे और सुजुने को रियोन से सावधान रहने के लिए कहता है। और तब यहाँ साटो आयानकोजी की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होके उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब आयानकोजी मना कर देता है और तब साटो आयानकोजी का नंबर लेकर वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ कारुजावा उन दोनों पर नजर रख रही होती है। तब हम देखते हैं क्लास में टीचर मिड टर्म के रिजल्ट्स अनाउंस कर देती है जिसमें कोई भी फेल नहीं हुआ होता और कहती है, आज तक कोई भी ऐसी क्लास जी नहीं रही है जो कि सारे स्टूडेंट्स के साथ इतनी दूर आई हो, तो इसलिए तुम लोगों ने बहुत कमाल का काम किया है। पर अब तक खतरा टला नहीं है क्योंकि तुम्हें अभी अपने अगले एग्जाम की तैयारी भी करनी है जो कि तुम्हारे फाइनल्स की तरह एक्ट करेगा, जिसका नाम है पेपर शफल। और इसमें सभी बच्चे दो दो के पेयर में डिवाइड होंगे और अगर इस पेपर शफल में दोनों स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स 60 से कम रहते हैं तो उन दोनों स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर तुम सोचो कि इके और हिराटा दोनों एक साथ हैं, तो अगर हिराटा 60 स्कोर करता है और इके 0, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का टोटल स्कोर 60 बनता है, जिस हिसाब से ये दोनों पास होते हैं। और हाँ, सभी सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस पर भी एक पासिंग पॉइंट्स होंगे और टोटल 8 सब्जेक्ट में 700 पॉइंट्स होंगे, जिस हिसाब से हर सब्जेक्ट में आपको 44 पॉइंट्स चाहिए होंगे। और इस बार आपको क्वेश्चन चूज करने का भी मौका मिलेगा और आप उस क्वेश्चन पेपर को किसी भी क्लास को दे सकते हो। और अगर दो क्लासेस एक क्लास को क्वेश्चन पेपर देना चाहती है तो तब उन दोनों में लॉटरी निकलेगी, तो इस हिसाब से जो जीतेगी उस क्लास का क्वेश्चन पेपर दूसरी क्लास के पास पहुंच जाएगा। पर अगर आपका जो स्कोर आएगा वो उस क्लास से कम आए जिसका आपने पेपर सेट किया है, तो आपकी क्लास में से 50 पॉइंट्स कम करके दूसरी क्लास को दे दिए जाएंगे। और जैसे कि इस टेस्ट के लिए पेयर्स की जरूरत है, तो उसके लिए आपका नेक्स्ट वीक एक मिनी टेस्ट होगा और आप चिंता मत कीजिए, उसके कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पर उसके रिजल्ट्स आपके पेपर शफल में काम आएंगे। और आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई क्लास आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन दे सकती है, क्योंकि टीचर्स इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको वही क्वेश्चंस मिले जो कि एप्रोप्रिएट हैं। और आपके लिए एक चेतावनी भी है, इस पेपर शफल में कोई एक या दो पेयर्स हर साल एक्सपेल जरूर होते हैं, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना। और बाकी डिटेल्स मैं आपकी मेल पर सेंड कर दूंगी। तब सुजुने आयानकोजी को कहकर बाकी सबको बुलाकर एक मीटिंग करने के लिए कहती है और तब कुशीदा भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की बात करती है और सुजुने इस बात के लिए मान जाती है। तब वो लोग आगे चले जाते हैं। तब आयानकोजी सुजुने से पूछता है, क्या कुशीदा को अपनी मीटिंग में शामिल करना जरूरी है? तब सुजुने कहती है, अगर हम उसे शामिल नहीं करेंगे तो इससे शक और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर कुशीदा के पास के बारे में बताने के लिए रोका है। और तब हम देखते हैं वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। तब सुजुने कहती है, कुशीदा और मैं एक ही मिडिल स्कूल में थे, पर हम लोग कभी भी सेम क्लास में नहीं थे, जिस वजह से मैं उसे इतना नहीं जानती थी। और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, तब एक दिन हमारे स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ और वहाँ चारों तरफ ये अफवाह फैल गई कि एक लड़की ने अपनी पूरी क्लास को तबाह कर दिया है। पर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि उसकी पूरी क्लास ग्रेजुएशन तक ट्रॉमा में थी। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक अकेली लड़की पूरी क्लास को तबाह कर सकती है? मुझे ऐसा करने के बहुत सारे रास्ते पता है, पर सुजुने क्या तुम्हें पता है कि इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन क्या है? तब सुजुने वॉयलेंस कहती है। तब आयानकोजी कहता है, पर वॉयलेंस कुशीदा का स्टाइल नहीं है, कुशीदा के पास कोई ऐसा वेपन है जो कि बिल्कुल वॉयलेंस की तरह ही वर्क करता है। और तब यहाँ सुजुने कुशीदा को कन्विंस करने की बात करती है और आयानकोजी उसे स्कूल से निकालने की बात करता है। तब सुजुने कहती है, कुशीदा क्लास डी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे उसके साथ आमने सामने बात करनी ही होगी और उसे समझाना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे समझा पाओगी? तब सुजुने हाँ कहती है। तब आयानकोजी कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे तुम पर छोड़ता हूँ, पर इस बार स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तरह मेरी मदद मत करना। पर मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी, पर फिर भी अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ ना होती, तो इसलिए थैंक यू।
और तब हम यहाँ देखते हैं रुइन अपनी पूरी क्लास को डराकर गद्दार को ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं वो इन सब चीजों के लिए मनाबे को दोषी पाता है और उसे धमकाने लगता है और उससे इन सब चीजों के पीछे के मास्टरमाइंड का नाम पूछता है। और तब हम देखते हैं मनाबे और उसके दोस्तों को कोई कारुजावा की बुलिंग की वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा होता है और तब वो तीनों याकिमुरा और आयना कोजी का नाम लेती है और तब रुइन उन दोनों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कुशीदा को मैसेज करता है और तब यहाँ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब सुजुने मिनी टेस्ट को सबको एक्सप्लेन करने लगती है जहाँ हमें पता चलता है कि मिनी टेस्ट के नंबर्स के अकॉर्डिंग ही उनके पेयर डिसाइड किए जाएंगे और उन्हें इस तरह से अरेंज किया जाएगा ताकि बैलेंस बना रहे, जैसे कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक वाला होगा उसे सबसे लोएस्ट रैंक वाले के साथ पेयर कर दिया जाएगा। और तब इसी चीज को ध्यान रखते हुए सुजुने क्लास जी को एक आइडिया देती है जिसमें वो क्लास जी को चार हिस्सों में बांट देती है जिसके हिसाब से जो सबसे लो लेवल वाले होंगे उन्हें मिनी टेस्ट में 0 मार्क्स हासिल करने होंगे ताकि वो सबसे हाईएस्ट स्कोरर्स के साथ पेयर हो सके और मिड लो वालों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो मिड हाई वालों के साथ पेयर हो सके। और तब क्लास जी क्लास सी के लिए क्वेश्चन पेपर लिखने का डिसाइड करती है और तब यहाँ रात को कारुजावा आयना कोजी को फोन करके कहती है, क्या तुम्हें साटो ने बाहर बुलाया है? तब आयना कोजी उसे मना कर देता है और तब हम देखते हैं कारुजावा ये सुनकर रिलैक्स होकर खुश हो जाती है। तब आयना कोजी उसका हालचाल पूछता है और कहता है, क्या मनाबे और उसके दोस्तों ने तुम्हें दोबारा से तंग तो नहीं किया? तब कारुजावा मना कर देती है। तब आयना कोजी कहता है, अगर वो लोग तुम्हें कभी तंग करें तो मुझे बता देना और मैं इसे जल्द से जल्द सॉल्व जरूर कर दूंगा। और तब अगले दिन पूरी क्लास सुजुने के प्लान पर एग्री कर जाती है और टेस्ट में वैसे ही एक्ट करती है जैसे सुजुने ने कहा था। और हम देखते हैं मिनी टेस्ट के रिजल्ट को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ वैसा ही हुआ होता है जैसा सुजुने ने प्लान किया था। तब अगले दिन हिराटा और सुजुने दो स्टडी ग्रुप बनाते हैं और कुशीदा उन दोनों स्टडी ग्रुप्स की मदद करने की बात करती है और हिराटा इस बात के लिए मान जाता है। और तब थोड़ी देर बाद मियाके और हासाबे हिराटा से मिलने आते हैं। तब मियाके कहता है, हम दोनों पेयर हो चुके हैं पर प्रॉब्लम तो ये है कि हम दोनों को एक ही सब्जेक्ट नहीं आता है तो इस वजह से हम उसमें पासिंग मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तब सुजुने कहती है, पर हमारे ग्रुप में तो पहले से ही बहुत सारे बंदे हैं तो इस हिसाब से हमें कोई और चाहिए जो हमारी मदद कर सके। और तब हम देखते हैं युकिमुरा एक और ग्रुप बनाने की बात करता है और कहता है, मैं पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बेकार रहा हूँ क्योंकि मेरी एथलेटिक एबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये तो बहुत कमाल की बात है कि हम पिछली बार बच गए हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होने वाला। अगर हमें स्कूल में अपनी क्लास को ऊपर लेकर जाना है तो हमें एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। आने वाला टेस्ट हमारी हर एबिलिटी का टेस्ट लेगा और इसे हम अकेले नहीं कर सकते तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। और तब थोड़ी देर बाद सुजुने आयना कोची को युकिमुरा का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। तब यहाँ युकिमुरा शाम को ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर देता है और तब थोड़ी देर बाद आयना कोची और युकिमुरा देखते हैं कि मियाके और हासिबे बिल्कुल सेम गलतियां कर रहे होते हैं। तब आयना कोची कहता है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक ही पर्सन को सिखा रहे हैं। हमारे पेपर क्लास सी अरेंज कर रही है ना, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये स्टडी ग्रुप हमारी इसमें मदद कर पाएगा? स्कूल टीचर्स इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस एप्रोप्रिएट हों। तो अगर हम कहीं से ये पता लगा लें कि टीचर्स किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस को अप्रूव करते हैं तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं और शायद मुझे पता है कि इसे कैसे करना है। तब आयना कोजी इस बारे में सुजुने को बताता है और कहता है, हम लोग एक टफेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाकर टीचर्स को भेजेंगे और तब हम देखेंगे कि वो किस तरह से एक्सेप्ट होते हैं और इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि स्कूल किस लेवल के क्वेश्चन पेपर्स को अप्रूव करता है। तब आयना कोजी सुजुने को कुशीदा को क्लासी के क्वेश्चन पेपर से दूर रखने के लिए कहता है और सुजुने इस बात के लिए मान जाती है। तब सुजुने छुट्टी वाले दिन आयना कोजी को उसके ग्रुप के बच्चों को भी मदद करने के लिए कहती है। तब आयना कोजी को रियुन की तरफ से एक मैसेज आता है जो कि उसने मास्टरमाइंड को भेजा होता है और रियुन को इस बारे में नहीं पता होता कि मास्टरमाइंड है कौन। और तब यहाँ साटो आयना कोजी के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है पर आयना कोजी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता। और तब हम यहाँ देखते हैं साटो और आयना कोजी एक साथ पेयर हो चुके होते हैं और साटो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और रिके और यामाउची इसी बात को लेकर उन दोनों की टांग खींच रहे होते हैं। और तब
स्टडी ग्रुप के मेंबर्स के जाने के बाद आयन कोजी सुजुने से कुशीदा से डील करने का प्लान पूछता है। तब सुजुने कहती है, मैंने बहुत सोचा और मुझे ये एहसास हुआ है कि अगर मैं स्कूल में ना आई होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, और कुशीदा अभी तक पूरी क्लास को आगे बढ़ने में मदद कर रही होती, पर मेरे आने की वजह से मैंने उससे ये चांस छीन लिया और मैंने अब इस चीज को रोकने के लिए एक प्लान बनाया है। और तब सुजुने कुशीदा से मिलने चली जाती है। तब सुजुने कहती है, तो मुझे यहाँ से इसलिए निकालना चाहती हो ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है। तब कुशीदा हाँ कहती है। तब सुजुने कहती है, पर मुझे पूरी कहानी नहीं पता है, मैंने बस रूमर सुने थे। तब कुशीदा कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं रिस्क नहीं ले सकती। तब सुजुने कुशीदा के सामने एक शर्त रखती है, जिसके हिसाब से कि अगर अगले एग्जाम में सुजुने के मार्क्स कुशीदा के सिलेक्ट किए हुए सब्जेक्ट में कुशीदा से ज्यादा आए तो कुशीदा उसे टारगेट करना बंद कर देगी, और इसके विटनेस के लिए सुजुने ने अपने बड़े भाई मनाबू को वहाँ बुलाया होता है। तब कुशीदा कहती है, और ये विटनेस के तौर पर कैसे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें इस स्कूल को छोड़कर जाना होगा, तो क्या ये तुम्हारे भाई को मंजूर होगा। तब मनाबू कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बैट इसने स्टार्ट किया है, तो इसलिए जो भी कुछ होगा वो सब कुछ इसकी गलती होगी। और तब कुशीदा इस शर्त के लिए मैथ के टेस्ट को चूज करती है, और तब हमें पता चलता है कि आयन कोजी भी इन सभी बातों को सुन रहा होता है, और कुशीदा को भी इन सभी बातों के बारे में पता चल जाता है, और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि अगर वो सुजुने को मैथ के टेस्ट में हरा देगी तो सुजुने के साथ साथ आयन कोजी को भी स्कूल छोड़कर जाना होगा, और आयन कोजी इस बात के लिए मान जाता है और कहता है, पर मेरी भी एक शर्त है, क्योंकि जैसे कि हम तुम्हारी बात मान रहे हैं तो हमें तुम्हारा सच जानने का भी पूरा हक है, क्योंकि मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं, तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर तुम इसे ये बताना नहीं चाहती हो तो हम इस पूरी डील को कैंसिल कर देते हैं। तब कुशीदा उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगती है, जिसमें वो उन्हें अपने एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बताती है, जहाँ पर उसे हर चीज के लिए बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है, और वो उस चीज की बहुत ज्यादा आधी हो चुकी होती है, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है ये एप्रिसिएशन कम होती जाती है, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगने लगता है, और तब वो सबकी मदद करने का डिसाइड करती है, और हम देखते हैं जो लोग भी उसकी तारीफ करते हैं उससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, पर सबकी मदद करते करते कुशीदा थक चुकी होती है, जिस वजह से वो इस चीज से भी फ्रस्ट्रेट होने लगती है, और तब वो उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ऑनलाइन ब्लॉग लिखने लगती है, जिसमें वो अपनी पूरी क्लास की बुराइयां करती है, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, पर एक दिन किसी के हाथ वो ब्लॉग लग जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि वो सारी चीजें कुशीदा ने लिखी होती हैं, जिससे वो सभी आकर कुशीदा पर गुस्सा होने लगते हैं। तब कुशीदा एक एक करके सबका सच एक दूसरे को बताने लगती है, और पूरी क्लास एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है, और इस तरह पूरी क्लास तबाह हो जाती है। तब आयन कोजी सोचता है, तो इसने सच्चाई का इस्तेमाल किया है। तब कुशीदा कहती है, मैं चाहे क्लास जी को इतनी अच्छे से जानती नहीं हूँ, पर मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे राज हैं जो कि पूरी क्लास को हिला सकते हैं, और अगर मैं अपनी पुरानी गलती के बारे में सोचूं तो मेरी बस ये इतनी गलती थी कि मैंने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, पर अब जब मैं इतनी स्ट्रेसफुल होती हूँ तब मैं कहीं जाकर अपना पूरा गुस्सा निकाल देती हूँ। तब सुजुने कहती है, आखिरकार तुमने ये क्यों किया। तब कुशीदा कहती है, इस दुनिया में अगर कोई आपको प्यार करता है या फिर नोटिस करता है तो इससे अच्छी खुशी कोई नहीं होती, और अब जब तुमने मेरा पास सुन लिया है तो तुम्हें अब पता लग ही गया होगा कि मैं तुम्हें अब अपने पास क्यों नहीं रखना चाहती। तब आयन कोजी सोचता है, ये तो एक मॉन्स्टर है जो कि सबके सामने अपनी पहचान बनाने की इच्छाओं से पैदा हुआ है। और तब अगले दिन कुशीदा और रियोन फिर से एक दूसरे के साथ एक डील करते हैं, जिसमें वो एक दूसरे की क्लास के क्वेश्चन पेपर्स को एक्सचेंज करने की बात करते हैं। और तब यहाँ युकीमुरा मियाबे और हासिबे के लिए क्वेश्चन पेपर्स लिखकर लाया होता है, और इसे देखकर हसाबे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, पर मियाके उसे जल्द से जल्द खत्म करने की बात करता है। तभी हम देखते हैं रुइन वहाँ युकीमुरा और आयन कोजी से मिलने आ जाता है, और उन दोनों को देखते हुए उसके मैसेज के बारे में पूछता है, पर वो दोनों कुछ रिएक्ट नहीं करते। और तब रुइन हियोरी को उन दोनों की शक्लों को देखने के लिए कहता है, ताकि उसे कुछ आइडिया हो सके, पर हियोरी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और रियोन को कुछ पता नहीं चलता, और वो वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पढ़ने के बाद युकीमुरा और उसका स्टडी ग्रुप एक साथ आइसक्रीम खा रहे होते हैं, और तब हसाबे उन सभी को
उस स्टडी ग्रुप को एक ऑफिशियल ग्रुप बनाने की बात करती है और हम देखते हैं सभी लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। तब युकिमुरा कहता है, अगर हम लोग सच में ये कर रहे हैं तो हम लोग एक दूसरे को अपने असली नामों से बुलाएंगे। और तब सभी लोग अपना अपना पहला नाम बताते हैं। तब युकिमुरा अपना पहला नाम लेने से सबको मना करता है, क्योंकि उसे वो नाम उसकी वो माँ ने दिया होता है जो कि उसे और उसके फादर को उसके बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। और तब वो सभी को अपने आप को कैसे बुलाने के लिए कहता है, और हम देखते हैं वो सभी लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं। और जैसे ही अपना ग्रुप बनाने लगते हैं, हम देखते हैं साकुरा भी चीखते हुए वहां आ जाती है और उनसे उनका ग्रुप ज्वाइन करने की बात करती है। और तब हम देखते हैं सभी लोग उस बात के लिए मान जाते हैं और साकुरा को भी अपना फर्स्ट नेम बताते हैं। और हम देखते हैं साकुरा आयनकोजी का फर्स्ट नेम लेने में शर्मा रही होती है। तब हासबे उस ग्रुप का नाम आयनकोजी ग्रुप रखती है और हम देखते हैं सभी लोग इस नाम को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ आयनकोजी कारियुजावा को अगले दिन की मीटिंग के लिए कुछ करने के लिए कहता है और फोन काट देता है। तब कारियुजावा आयनकोजी को बर्थडे विश करती है और हम देखते हैं अगले दिन की पेपर शफल की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। और तब सभी लोग डिस्कस करते हैं कि उन सभी के ग्रुप्स अच्छे से काम कर रहे हैं। तब कुशीदा कहती है, तो चलो फिर अब साथ मिलकर पेपर शफल को पास किया जाए, जिसे सुनकर कारियुजावा थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कहना बहुत ज्यादा आसान है, पर जैसे कि टीचर ने कहा है कि हर साल यहाँ पर कोई ना कोई फेल होता है, तो इस हिसाब से मेरे और सुडो के पास होने के चांसेस बहुत कम हैं। और तब कुशीदा उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहती है और कारियुजावा इस बात से और ज्यादा भड़क जाती है। और हम देखते हैं कुशीदा अच्छे बनने की कोशिश कर रही होती है। तब कारियुजावा उसके अच्छे होने को एक्ट बताकर उस पर गुस्सा होने लगती है और उस पर जूस फेंक देती है। और हम देखते हैं हिराटा उसे तब शांत करवाता है। तब कारियुजावा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कुशीदा से माफी मांगने लगती है और उससे उसकी यूनिफॉर्म धोने के लिए मांगती है और कुशीदा इस बात के लिए मान जाती है। और यह हम देखते हैं अगले दिन कुशीदा टीचर को क्लास जी के क्वेश्चन पेपर्स देती है और कहती है, क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकती हैं? अगर कोई भी इसके बाद आपको पेपर देने आए तो आप उससे पेपर लेने का नाटक करिएगा और थोड़ी देर बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। तब टीचर इस बात के लिए मान जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कुशीदा और रुइन आपस में क्वेश्चन पेपर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। तब यहाँ टेस्ट वाले दिन साटो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और वो इस बारे में आयनकोजी से बात कर रही होती है। और तब कारियुजावा जैसे ही उसे आयनकोजी के पास देखती है, वो जेलिस होके साटो को वहाँ से ड्रिंक करने ले जाती है। तब हिराटा कहता है, लगता है कारियुजावा को तुम में इंटरेस्ट है और मुझे इस बात से बहुत खुशी होगी अगर उसे एक रियल रिलेशन मिले। पर आयनकोजी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और तब यहाँ टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग टेस्ट देने में फोकस कर रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कुशीदा क्वेश्चन पेपर को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और टेस्ट खत्म होने के बाद रुइन से मिलने चली जाती है और गुस्से में उससे कहती है, आखिरकार जो तुमने क्वेश्चन पेपर मुझे दिया था वो आज के पेपर से अलग क्यों था? अब तो तुम्हारी वजह से सुजुने जीत जाएगी। आखिरकार तुम्हें मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? तुम्हें लगा था कि तुम सुजुने को हरा दोगी, पर देखो आखिर में तो तुम ही जाल में फंस गई हो। और तब हम यहाँ देखते हैं कुशीदा से पहले ही सुजुने ने क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड बात कर ली होती है और वो टीचर को उसके अलावा किसी और से पेपर एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तब कारियुजावा कहती है, मैंने उस दिन गुस्से में जो उसकी ड्रेस खराब की थी तुम्हारे कहने पर उसमें एक चिट छुपा दी थी, तो इसका मतलब हमें तुम्हारे प्लान की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तब यहाँ रुवेन कहता है, तुमने तो हमें पेमेंट भी नहीं दी थी तो मैं तुम्हें कैसे असली पेपर दे देता। तब कुशीदा को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है और वह कहती है, मैं उसे हराने ही वाली थी पर तुम्हारी वजह से अब मेरे हाथ से ये मौका चला गया है। तुम यहाँ गलत हो क्योंकि तुम तो गेम स्टार्ट होने से पहले ही हार चुकी थी। तब रुइन कुशीदा को उसकी शर्ट में लगी हुई चिट शीट दिखाता है। तब कुशीदा कहती है, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आई? पर एक मिनट रुको, इसके अंदर तो उसी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो कि तुमने मुझे दिए थे, तो अगर मैंने और तुमने ही उन क्वेश्चन पेपर्स को देखा है तो मास्टरमाइंड को इस पेपर के बारे में पता कैसे चला? क्या ये सब कुछ तुमने किया है? क्या तुम मुझे धोखा दिया है? तुम मेरे लिए बस एक टूल हो और कुछ भी नहीं, तो तुम्हें ये अब समझ जाना चाहिए।
और तब कुशीदा और सुजुने आपस में मिलते हैं। तब सुजुने कहती है, अब मैं जीत चुकी हूँ तो तुम अब मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करोगी। तब कुशीदा कहती है, मैं अपने वादे को जरूर निभाऊंगी और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगी। तब सुजुने कुशीदा के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है पर कुशीदा उस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है, एक चीज याद रखना, मैंने बस यही वादा किया था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो जिसका मतलब मैं आयने कोजी को नहीं छोड़ूंगी। और तब हमें पता चलता है कि आयने कोजी ने रुइन के साथ एक डील की होती है जिसके मुताबिक रुइन ने कुशीदा के क्वेश्चन पेपर को चेंज कर दिया होता है और इसके बदले में आयने कोजी ने सुजुने का कुशीदा को रोकने का प्लान रुइन को बता दिया होता है। तब यहाँ रुइन कहता है, ये मास्टरमाइंड तो मुझे सच में बहुत अच्छे से जानता है, इसने तो एक ही मूव में सुजुने को बचा लिया और कुशीदा को हरा दिया, पर अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है क्योंकि जल्द ही मैं इसे ढूंढ लूंगा और अगर ये फिर भी सामने ना आया तो मैं इस लड़की को तबाह कर दूंगा। और तब वो आयने कोजी को कारुजावा की फोटो भेजकर धमकी देता है। तब आयने कोजी सोचता है, तुम्हें शांत रहना चाहिए पर लगता है तुम ऐसा नहीं करोगे, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें एंटरटेन कर सकूं। तब यहाँ आयने कोजी का ग्रुप एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इस बार पेपर शफल में कोई भी बच्चा एक्सपेल नहीं हुआ होता है। और तब सभी लोग इचिनोजे और साक्या नागी को इकट्ठा देखकर हैरान हो जाते हैं। तब हासबे कहती है, क्या ये दोनों राइवल्स नहीं है? और मुझे इचिनोजे का तो समझ में नहीं आता है, आखिरकार कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये तो असली इंसान हो ही ना, इसलिए ये मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। तब युकिमोरा कहता है, मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर हम क्लास सी को हराएंगे तो उसके बाद हमें इसे ही हराना पड़ेगा, तो इसलिए हमें जितना हो सके उतना दूर इससे रहना चाहिए। और तब हासबे क्रिसमस मनाने की बात करती है। तब साकुरा आयने कोजी से क्रिसमस पर कहीं चलने के लिए कहती है। तब हासबे उसे इस चीज को लेकर चिढ़ाने लगती है और तब आयने कोजी नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और तब वो कारुजावा को मैसेज कर देता है। और जब शाम को कारुजावा और साटो रूम पर वापस जा रहे होते हैं तब कारुजावा नोटिस करती है कि क्लास सी का एक लड़का उन्हें फॉलो कर रहा है और तब वो रात को इसके बारे में आयने कोजी को बताती है। तब आयने कोजी उसे इन सभी चीजों को इग्नोर करने के लिए कहता है और कहता है, क्या तुमने उस पर्सन के बारे में पता लगाया जो कि हमारा पीछा कर रहा था? तब कारुजावा कहती है, वो एक लड़की है पर वो क्लास सी से नहीं है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने शायद उसे क्लास ए में देखा है। तब वो आयने कोजी को उसकी फोटो भेज देती है। तब आयने कोजी कहता है, आखिरकार साक्या नागी क्या सोच रही है? और यहाँ हम देखते हैं काफी सारे क्लास सी के लोग क्लास जी पर नजर रखे होते हैं और यहाँ सुडो सुजुने के कहने पर क्लास सी के लड़कों के सामने कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तब आयने कोजी कहता है, तुमने अपने पालतू कुत्ते को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है पर पता नहीं क्लास सी अब क्या करना चाहती है। तब सुजुने कहती है, पेपर शफल में क्लास सी ने बहुत सारे पॉइंट्स खोए हैं और रुइन अब उस मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा है जिसने उसे फंसाया है और इस बार तो तुम मुझे भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसे पहले से पता है कि मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ क्योंकि क्लास सी का कोई भी स्टूडेंट मेरा पीछा नहीं कर रहा है। तो क्या तुमने रुइन को रोकने का कोई प्लान बनाया है? तब आयने कोजी मना कर देता है। तब सुजुने आयने कोजी को एक बुक वापस करने के लिए लाइब्रेरी भेजती है जहां आयने कोजी क्लास सी की हायोरी से मिलता है। तब आयने कोजी ह्यूरी से क्लास सी के बारे में पूछता है पर ह्यूरी कहती है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है और मैं तो ये चाहती हूँ कि सारी क्लासेस इकट्ठी रहें। और तब क्लास जी की क्लास टीचर आयने कोजी को किसी से मिलवाने ले जाती है और तब हम देखते हैं आयने कोजी के फादर उससे मिलने आए होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से एक आदमी मर चुका है, तुम्हें वो बटलर मात्सु तो याद ही होगा जिसने तुम्हें स्कूल के बारे में बताया था और भागने में मदद की थी जिस वजह से मुझे उसे काम से निकालना पड़ा और उसके बाद उसने अपने आप को आग लगा ली और उसकी फैमिली भी तबाह हो गई और ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता था अगर तुम मेरी बात मान लेते। तब आयने कोजी कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है? तब उसके फादर कहते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। मैं यहाँ पर आपकी वजह से आया हूँ क्योंकि आपने हमें कहा था कि आपने हमें अल्टीमेट एजुकेशन दी है तो मैं बस उसी चीज को चेक करने के लिए यहाँ आया हूँ और वैसे भी मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। तब उसके फादर उसे उस स्कूल से रिजाइन करने का ऑर्डर देते हैं। आपके ऑर्डर्स सिर्फ व्हाइट रूम में चलते हैं। व्हाइट रूम से याद आया
कि मैंने उसे दोबारा से शुरू कर लिया है, पर मुझे अब तक तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन नहीं मिला है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पर साइन करके स्कूल को छोड़ दो। और तब उस मीटिंग में उस स्कूल का चेयरमैन नारुमोरी साक्यानागी वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि ये स्कूल बच्चों की इच्छाओं को प्रायोरिटाइज करता है, तो इसलिए जब तक आयनकोजी खुद नहीं चाहता वो तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और यह हमें पता चलता है कि चेयरमैन की वजह से ही आयनकोजी को स्कूल में एडमिशन मिली होती है। तब आयनकोजी के फादर उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं देखना एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। और तब हमें पता चलता है कि क्लास ए की साक्यानागी चेयरमैन की बेटी है। और तब यहाँ आयनकोजी को ये एहसास हो जाता है कि उसकी टीचर का उसके फादर के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर उसकी टीचर इस बात को नहीं मान रही होती। तब आयनकोजी कहता है मुझे इस बात का सबूत चेयरमैन के साथ बातें करते हुए मिल गया है। आप बस क्लास ए तक पहुँचने के लिए कोशिश करती आई है, पर आपको आज तक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स नहीं मिले हैं जो कि आपको क्लास ए तक पहुँचा सके, पर इस बार आप बहुत ज्यादा लकी है। और जब आपने मेरी फाइलों को देखा तब आपने इस गेम को स्टार्ट किया ताकि आप क्लास ए तक पहुंच सके, और अगर मेरे फादर आज ना आए होते तो शायद मैं आज भी आपके इशारों पर नाच रहा होता, तो इसका मतलब आप मुझे एक्सपेल नहीं कर सकती है। तब क्लास टीचर कहती है तो क्या तुम अब इतनी मेहनत करने के बाद क्लास ए तक नहीं पहुंचना चाहोगे। तब आयनकोजी मना करके वहां से चला जाता है। और तब यह रात को आयनकोजी कारुजाबा का हालचाल पूछने के लिए फोन करता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है मेरी वजह से तुमने बहुत सारी तकलीफें सही हैं, अब मेरे पास क्लास जी को ऊपर पहुंचाने का कोई रीजन भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसे अब सुजुने और हिराटा पर छोड़ देता हूं, जिसका मतलब है कि तुम अब फ्री हो और अब मैं तुमसे ऐसे कभी बात नहीं करूंगा, और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तो इसलिए अगर तुम कभी भी मुसीबत में होगी तो मुझे मेरी इमरजेंसी नंबर पर फोन कर देना। जिसे सुनकर कारुजावा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और आयनकोजी फोन काट देता है। और तब हम देखते हैं अगले दिन रुइन क्लास जी में चला जाता है। और तब क्यूएनजी जैसे ही बाहर चला जाता है हम देखते हैं क्लास सी के कुछ बच्चे उसके पीछे चले जाते हैं और रुइन भी वापस चला जाता है और क्लास जी के कुछ बच्चे भी उसके पीछे चले जाते हैं। तब यहाँ क्लास जी देखती है कि क्लास सी ने क्यूएनजी को घेर रखा होता है, पर तभी वहाँ क्लास ए भी आ जाती है। तब क्यूएनजी पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे क्यों घेर रखा है, पर शायद मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। क्लास जी में कोई है जो कि कब से तुम्हारे प्लान को रोक रहा है और तुम उसे ही ढूंढ रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वो पर्सन नहीं हूं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी क्लास कौन सी पोजीशन में है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि क्लास रैंकिंग में कोई फर्क पड़े, और ना ही मेरा आगे कोई ऐसा प्लान है। तब रोइन कहता है पर मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूं, तुमने अब तक जोन सी हरकतें की है उसे तो ऐसा ही लगता है कि तुम पूरे परफेक्ट हो जो कि पूरी क्लास जी पर कंट्रोल कर सकता है। तब क्यूएनजी कहता है तुमने सही कहा, पर अगर तुम ऐसे ही सोचते हो तो फिर तो तुम बेवकूफ हो। तब रोइन कहता है लगता है अब तो मुझे तुम्हें मार कर ही चीजों को बाहर लाना होगा। और तब क्यूएनजी भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब रुइन उसकी बात को मान लेता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो मास्टरमाइंड नहीं है। और तब वो क्यूएनजी से उस मास्टरमाइंड के बारे में पूछता है, पर क्यूएनजी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। और तब यहाँ साक्यानागी रुइन को उसके निकनेम से चिढ़ाने लगती है, जिससे रुइन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं हाशिमोटो साक्यानागी को बचा लेता है। तब सुजुने कहती है क्या तुम लोग पागल हो, अगर किसी ने भी देख लिया तो तुम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तब हम देखते हैं क्लास ही ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वहाँ से चली जाती है। तब इबुकी रुइन से पूछती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि क्यूएनजी वो वाला पर्सन नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तब रुइन कहता है इसके सोचने का तरीका मुझसे बिल्कुल नहीं मिलता है, और इसकी हरकतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सुजुने के साथ प्लान तो कभी नहीं बनाएगा, तो इसलिए ये वो नहीं हो सकता। और तब रुइन सुजुने से इस बारे में पूछता है। तब सुजुने कहती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। तब रुइन कहता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, और देखना बहुत जल्द मैं उस मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालूंगा। तब यहाँ रात को आयनकोजी सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है इच्चिनोजे और साक्यानागी ने मुझ में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, तो अगर मैं अभी कोई प्लान बनाऊंगा तो मैं धीरे धीरे करके उनसे छुटकारा पा लूंगा, पर इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम रुइन है।
और तब यह हेरोइन अपने क्लासमेट्स को अपना प्लान बताता है, जहां पर वो अपने क्लास के मेंबर से क्लास जी पर प्रेशर बना रहा होता है, पर वो फिर भी उस मास्टरमाइंड को नहीं ढूंढ पा रहा होता। तब विभूति कहती है, आखिरकार तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? तब रुइन कहता है, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सच तो ये है कि मेरा दिल रेस कर रहा है। और तब यह रुइन अपने साथियों को लेकर कहीं जा रहा होता है और कहता है, मैंने यहाँ पर चारे को बुलाया है और सेम टाइम पर मैंने मास्टरमाइंड को भी मैसेज किया है। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई आता है या नहीं, और अगर यहाँ पर सिर्फ चारा आया तो हम उसे पूरी तरह से तोड़ देंगे ताकि मास्टरमाइंड को यहाँ आना ही पड़े। तब विभूति कहती है, पर यहाँ पर तो बहुत सारे कैमराज हैं, आखिरकार तुम इनका क्या करोगे? और तब रुइन एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में चला जाता है और वहाँ पर लगे कैमरे को बंद कर देता है। और हम देखते हैं जिस जगह वो होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और हम देखते हैं वो चारा और कोई नहीं कारियुजावा होती है, और वो मेल पढ़ के सीधा रुइन के पास आ जाती है। तब कारियुजावा कहती है, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मनाबे और उसकी सहेलियों ने जो भी कहा है वो झूठ है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुम इस बात को और ना फैलाओ। तुम ये ड्रामा करना बंद करो, हमें पता है कि तुम यहाँ आने से पहले बुली की जाती थी। और तो हम देखते हैं वो लोग उसे बांध देते हैं। अगर तुमने अभी मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं स्कूल को सब कुछ बता दूंगी। तब रुइन कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सच्चाई भी बाहर आ जाएगी। तो इसलिए मुझे बताओ कि वो कौन है जो कि तुम्हें और सुजुने को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, और अगर तुम मुझे ये बता दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा और तुम्हारे पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तब कारियुजावा इस बात से मना कर देती है। तब रुइन कहता है, मनावा ने मुझे वो वीडियो दिखाई है और उससे मुझे ये भी बताया है कि मास्टरमाइंड ने उसे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें उस मास्टरमाइंड की रियलिटी के बारे में पता है। तो अगर तुम मुझे ये बता दोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पर कारियुजावा कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब रुइन उसे उसकी सच्चाई सबको बताने की धमकी देता है, पर कारियुजावा फिर भी उसे कुछ नहीं बताती। और तब रुइन इसी जाकी को उसके ऊपर पानी डालने के लिए कहता है, और हम देखते हैं कारियुजावा को ठंड लगने लग जाती है। तब रुइन सोचता है, ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे कि ये स्कूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल से चलता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस स्कूल में किसी को एक हद तक टॉर्चर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कैमरास को खराब करना, दूसरी क्लास के साथ डील करना और अपने सीनियर्स को रिश्वत देना, ये सब कुछ ये स्कूल अलाउ करता है। वैसे तो स्कूल ऊपर ऊपर से इन सभी चीजों से मना करता है, पर हमें बस ये पता होना चाहिए कि हम किस हद तक सब कुछ कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पर रियल लाइफ को जी सके। और तो वो लोग कारियुजावा को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। तब रुइन कहता है, ट्रॉमा एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को शब्दों से ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है, और तुम देखना मैं तुम्हें तोड़कर तुमसे सारी सच्चाई बाहर निकलवा लूंगा। और यहाँ हम देखते हैं आयनकोजी के ग्रुप के मेंबर्स एक साथ मजे कर रहे होते हैं, और यहाँ रुइन के इतने ज्यादा बुली करने के बावजूद भी कारियुजावा कुछ कह नहीं रही होती। तब रुइन कहता है, लगता है बुली के कारण तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टॉलरेंस पावर आ गई है, तो मैं तुम्हारी स्पिरिट को तोड़ कर ही रहूंगा। और तब वो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, अब तुम इसे कब तक सहोगी? तुम जिसके लिए उम्मीद लगाई बैठी हो वो तुम्हें बचाने कभी नहीं आएगा। उस मास्टरमाइंड ने तुम्हें छोड़ दिया है। क्या तुम्हें पता है जो क्रूज शिप पर तुम्हारे साथ जो बुलिंग की गई थी वो उसी मास्टरमाइंड का प्लान था, और उसने ये इसलिए किया ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। तो अब जबकि तुम उसके किसी काम के नहीं रहे हो तो वो तुम्हें बचाने बिल्कुल नहीं आएगा, तो जल्दी से उसका नाम बता दो। तब कारियुजावा सोचती है, क्या रुइन सच कह रहा है? क्या वो सच में मुझे बचाने नहीं आएगा? क्या मैं इतने दिनों से वहम में जी रही थी? और अगर मैं इसे उसका नाम बता दूंगी तो क्या मैं वैसे ही हो जाऊंगी जैसे कि मैं पहले थी? और वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं फिर भी उसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। अब चाहे तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो। आखिरकार क्यों तुम उसे बचा रही हो? उसने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बस मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। तो अब मेरे साथ जो भी होगा मुझे वो मंजूर होगा। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तब कारियुजावा सोचती है, मुझे ये मंजूर है क्योंकि इससे उसे मदद मिलेगी। मेरी पूरी जिंदगी हमेशा बहुत बोरिंग रही है, पर आयनकोजी के साथ मिलने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारी एक्साइटमेंट आई है, तो इसलिए मुझे उसकी मदद करने का कोई गम नहीं है। मुझे पता है
कि तुम बस अपने बारे में सोचते हो, पर फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। और यहाँ हम देखते हैं आयनको जी अपने ग्रुप को छोड़कर क्लास जी की टीचर से मिलने आ जाता है, और तब वो टीचर से कहता है, अगर आप चाहती हैं कि क्लास जी ऊपर बढ़े तो आपको कुछ करना होगा। रुएन ने कारुजावा को पकड़ लिया है, और अगर वो उसे तोड़ने में कामयाब रहा तो वो स्कूल छोड़ देगी और क्लास जी इस दुख से कभी उभर नहीं पाएगी। तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? तब क्लास जी की टीचर कहती है, पर मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी टीचर स्टूडेंट्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे जरूर देखना चाहेंगी कि मैं इस मैटर को कैसे सॉल्व करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं सुजुने का भाई भी आयनको जी की मदद कर रहा होता है, और आयनको जी ने उसके साथ एक डील की होती है जिसके हिसाब से वो इसके बाद की सिचुएशन की चीजों को संभालेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सबको बताएगा कि क्लास सी ने ही इन सब चीज की शुरुआत की थी, और उसके बदले में आयनको जी सुजुने को स्टूडेंट काउंसिल में एंट्री करने में मदद करेगा। तब आयनको जी वहाँ से चला जाता है, और मानबू कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है, ये इन सभी चीजों को अकेले ही खत्म कर देना चाहता है। और यहाँ हम देखते हैं आयनको जी अंदर पहुँच जाता है और कारुजावा से लेट आने के लिए माफी मांगने लगता है। तब कारुजावा कहती है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब आयनको जी कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम कभी भी मुसीबत में पड़ोगी तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। कारुजावा ने मुझे मदद के लिए ईमेल सेंड की थी, जिसका मतलब है कि मैं ही मास्टरमाइंड हूँ। तभी बुकी इस बात को मान नहीं रही होती। तब आयनको जी कहता है, तुम्हारे कैमरे को मैंने ही खराब किया था, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। तब रुइन कहता है, तुम्हारे आते ही कारुजावा की आंखों से डर चला गया, पर मुझे तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद थी, क्योंकि इस सिचुएशन में तुम्हारा सबसे अच्छा मूव इसे सैक्रिफाइस करना था, पर तुम तो शेर की गुफा में आ गए हो। आखिरकार तुमने क्या प्लान किया है? मेरे पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस कारुजावा को यहाँ लेने आया हूँ। चलो फिर थोड़ा खेलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वायलेंस ही सबसे बड़ी पावर है, और इसके आगे छोटी मोटी ट्रिक्स बिल्कुल नहीं टिकेंगी। अब तुम्हारे खत्म होते ही क्लास जी भी खत्म हो जाएगी। लगता है तुम बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि अब तो तुम मुसीबत में फंस चुके हो। लगता है यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पर मुसीबत में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर बस तुम चार हो, और मुझे रोकने के लिए इससे ज्यादा लोग चाहिए। जिसे सुनकर रुइन हंसने लगता है, तो इसी जाकी आयनको जी पर हमला कर देता है, और तब आयनको जी उसे ब्लॉक करके उसके पेट पर लात मारता है, और तब वो एल्बर्ट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। और तभी बुकी और कारुजावा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती हैं, और यहाँ हम देखते हैं आयनको जी और एल्बर्ट एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, और तभी आयनको जी उसके पैर पर लात मार के उसे नीचे बिठा देता है और उसके मुंह पर मुक्के बरसाने लगता है, और तभी इशिजाकी फिर से उस पर हमला कर देता है, पर आयनको जी उन दोनों को ही लात मार कर बेहोश कर देता है। तब रुइन कहता है, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैं शुरू से ही वायलेंस चाहता था। अगर मैं सच में अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखना चाहता तो मैंने मनाबे को कभी यूज ही ना किया होता, और तुम इतने टाइम से बस मेरे ही हिसाब से काम कर रहे थे। तरुण हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम इतने टाइम से तुम्हारे इशारों पर काम कर रहे थे? तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है इबुकी? तब इबुकी कहती है, तुम दोनों ही सच में बहुत पागल हो, और आयनको जी पर हमला कर देती है, पर आयनको जी उसके हमलों को डॉच करके उसे बेहोश कर देता है। तब रुइन भी आयनको जी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर आयनको जी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। इसमें सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो चलो फिर इसे जारी रखें। तुम्हें समझ आ रहा है, दूसरी क्लासेस को क्रश करना और क्लास जी के मास्टरमाइंड को सामने लाना, यही मेरे लिए एक गेम है। और तो वो आयनको जी पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। तब आयनको जी सोचता है, इसने लड़ाई की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, इसका एक यूनिक स्टाइल है जो कि रियल फाइट से पैदा हुआ है। अगर तुम सच में इतने अच्छे से लड़ सकते हो तो तुम दुनिया के सामने क्यों नहीं लड़ते हो? मेरे पास बाहर आने का कोई रीजन नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सबके सामने जरूर लाऊंगा। तब आयनको जी अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है और उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, और पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत सकते हो? तब रुइन हाँ कहता है। तब आयनको जी उसे मुक्का मारकर कहता है, मुझे माफ करना, पर मुझे दिख तो नहीं रहा कि मैं हार रहा हूँ। चाहे तुम आज जीत जाओ, पर मैं तुम पर कभी भी हमला करना नहीं छोड़ूंगा।
लगता है तुम हारने से बिल्कुल नहीं डरते हो। आखिरकार मुझे डर लगेगा अभी क्यों? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी डर नहीं फील किया। डर और खुशी एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं और ये दुनिया सिर्फ वायलेंस पर चलती है। किसी की पावर उसके वायलेंस के जरिए पता की जा सकती है, पर सिर्फ एक ही ताकत है जो इसे भी हरा सकती है और वो चीज मौत है। डर बस कमजोरों की निशानी है और जब तुम किसी को बहुत ज्यादा दर्द देते हो तब वो धीरे धीरे डर में बदल जाता है। चलो फिर तुम्हारी इस थ्योरी को टेस्ट किया जाए। और तब रुइन आयनकोजी को मारने लगता है और आयनकोजी उसके हमलों को रोक रहा होता है। तब रुइन कहता है, क्या तुम्हें अब डर फील हो रहा है? तब आयनकोजी कहता है, मुझे माफ कर देना पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, और रुइन को मारकर नीचे फेंक देता है। तुम सच में बहुत कमाल के हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कितनी पावर होने के बावजूद भी तुम क्लास जी में कर क्या रहे हो। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। और तब रुइन उस पर हमला कर देता है। तब आयनकोजी उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे लगातार मुक्के मारने लगता है। तुमने पहले कहा था ना कि तुम्हें आज तक कभी डर नहीं लगा। तुमने सही कहा, और अगर तुम मुझे डर दिलाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा मारना होगा। तब आयनकोजी उसे मारना शुरू कर देता है। चाहे तुम जो मर्जी कर लो, पर देखना मैं तुम पर फिर से हमला करूंगा और आखिर में जीत मेरी ही होगी। तो मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम खुश हो, गुस्से हो या फिर इरिटेटेड हो? तो चलो अपने इमोशंस दिखाओ। पर तब वो देखता है आयनकोजी के फेस पर कोई इमोशंस नहीं होते। तब आयनकोजी कहता है, आखिरकार तुम किस चीज की बात कर रहे हो? ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मेरे दिल में कोई इमोशंस नहीं है, और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तरुण को इस चीज को देखकर डर लगने लग जाता है। लगता है तुम्हें भी अब एहसास हो चुका है कि तुम्हें भी डर लग सकता है। तब कारियुजावा आयनकोजी के गले लगकर रोने लगती है। तब आयनकोजी कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर तुम एक बात याद रखो कि तुम अब अपने पास्ट से आजाद हो, और अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। और यह हम देखते हैं लड़ाई के कुछ दिनों बाद इबुकी रुइन से मिलने आती है, पर रुइन अपने कमरे में नहीं होता है और तब वो उसे बाहर टहलते हुए ढूंढ लेती है। और यह हम देखते हैं रुइन अपने सारे पॉइंट्स इबुकी को दे देता है और खुद सभी चीजों की जिम्मेवारी लेकर स्कूल से निकलने वाला होता है। और तब इबुकी रुइन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर रुइन उसकी कोई बात नहीं सुनता। तब वो उसे एक लात मारती है और उसे उसके सारे पॉइंट्स देकर वापस चली जाती है। तब कारियुजावा सोच रही होती है, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया और ये सब कुछ आयनकोजी की वजह से हुआ है। वो एक ऐसा आदमी है जो बहुत कम बोलता है और उसकी प्रेजेंस से तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता है, पर असलियत में वो बहुत ज्यादा अलग है। वो लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, पर फिर भी उसने मुझे बचाया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं सच में उसके लिए फील करने लगी हूँ। आखिरकार मैं अब इस फीलिंग का क्या करूँ? और तब यहाँ अगले दिन साटो कारियुजावा से आयनकोजी के साथ डेट पर जाने के लिए टिप लेने आई होती है और उसे अपने प्लान्स दिखाती है, जहाँ उसने सबसे लास्ट में लेजेंडरी ट्री के नीचे आयनकोजी को प्रपोज करने के बारे में लिखा होता है। तब कारियुजावा सोचती है, आखिरकार क्यों मुझे इसमें इसकी मदद करनी पड़ रही है? आखिरकार आयनकोजी इसके साथ डेट पर क्यों जा रहा है? और तब कारियुजावा साटो की मदद करने के लिए मान जाती है। तब साटो कारियुजावा को क्रिसमस वाले दिन डबल डेट करने का आइडिया देती है। तब यह रात को कारियुजावा कह रही होती है, तुमने तो कहा था कि तुम क्लास जी को ऊपर ले जाने के सारे प्रयास को बंद कर रहे हो, तो आखिरकार तुम साटो को डेट पर क्यों लेकर जा रहे हो? क्या आखिरकार इसके अंदर तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? तभी हम देखते हैं आयनकोजी कारियुजावा को फोन करके साटो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तब वो सोचती है, लगता है ये अपनी डेट से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है। तो क्या इसका मतलब इसे साटो सच में पसंद है और शायद ये उसे भी अपनी कठपुतली बनाना चाहता है? पर आखिरकार अगर इसके पास मैं हूँ तो इसे किसी और की क्या जरूरत है? और तब हम देखते हैं अगले दिन आयनकोजी सुजुने से मिलने चला जाता है और उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहता है। तब सुजुने कहती है, आखिरकार तुम अब क्या सोच रहे हो? ये मेरा आइडिया नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई चाहता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करो
और अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं सच कह रहा हूँ या नहीं तो चलो मेरे फोन से उसे फोन करो। तब सुजुने फोन पे अपने भाई से इस बात को कंफर्म कर लेती है और कहती है, उसने कहा है कि मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे इससे क्या फायदा होगा और अभी के लिए फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देता हूँ सोचने का। और यहाँ कुशीदा उन्हें देखकर खुश भी होती है और ना खुश भी होती है। और तब यहाँ क्रिसमस की शाम को आयन कोजी रुइन को मिलने के लिए बुलाता है। तब रुइन कहता है, मैंने जो किया है मैं उसके लिए अपने ऊपर ब्लेम लेने ही वाला था और स्कूल से निकलने वाला था, पर क्लास जी ने वो इंजाम खुद पर ले लिया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तुमने किया है। मुझे लगा नहीं था कि कैमरास को सिर्फ पेंट करने के जुर्म में तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करोगे। मुझे तो लगा था कि जो तुमने कारुजावा के साथ किया है तुम उसके लिए बाहर जाने वाले हो। अगर मैं वो करता तो उसमें मेरे साथ साथ मेरे साथी भी फंस जाते, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तुमने शायद सही कहा, पर मैं उस लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया हूँ। अगर तुम वहाँ अकेले होते तो तुम मेरे साथ और भी ज्यादा देर लड़ते, पर तुम्हें पता था कि तुम हारने वाले हो तो तुमने वो नाटक किया। दूसरों को नीचा दिखाना मेरा काम है, पर अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो बताओ तुमने मेरे बारे में क्या प्लान सोचा है? क्या तुम मुझे दूसरे क्लासेस के पीछे भेजने वाले हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता, और वैसे भी मुझे यहाँ पर रोकने का कोई और रीजन मुझे नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार मैं ये क्यों करूँगा? क्योंकि तुम क्लास जी को ऊपर पहुँचाना चाहते हो। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर मैं उनके रास्ते में नहीं आऊँगा जो कि ऐसा करना चाहते हैं। पर उससे पहले क्लास जी के पास एक और प्रॉब्लम है जिसका उन्हें सामना करना है। तो तुम कुशीदा की बात कर रहे हो ना? पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम कैंसर का इलाज थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, पर अगर तुम्हें उससे पूरी तरह से राहत चाहिए तो तुम्हें उस कैंसर वाले हिस्से को जड़ से निकालना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो कैंसर बाकी ऑर्गन्स में भी फैलता जाएगा। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। थर्ड टर्म में क्लास जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पर वो बहुत जल्दी वापस नीचे आ जाएगी क्योंकि मैं कुशीदा को एक्सपेल करवाने वाला हूँ। तुम्हें पता है तुम सच में बहुत खतरनाक हो। और तब यहाँ अगले दिन साटो, आयनकोजी, कारुजावा और हिराटा आपस में मिलते हैं। तब साटो और कारुजावा ऐसे एक्ट कर रही होती हैं जैसे कि उन्होंने डबल डेट का कोई प्लान ही ना बनाया हो, और तब वो इस सिचुएशन को आयनकोजी के सामने डबल डेट में बदल देती है और सभी लोग इकट्ठे एंजॉय करने चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं साटो ने रेस्टोरेंट में चार लोगों के लिए रिजर्वेशन करवाई होती है। तब आयनकोजी कहता है, लगता है साटो को पहले से ही पता था कि हम चार लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, वो तो साटो ने थोड़े टाइम पहले फोन करके रिजर्वेशन चेंज करवाई है। तुम तो बहुत बड़ी झूठी हो। देखो आखिरकार ये कह भी कौन रहा है। और तब यहाँ शाम को वो सभी लोग अलग अलग होकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, और साटो आयनकोजी को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहती है। तब आयनकोजी साटो को आज के दिन के लिए थैंक यू कहता है। तब साटो कहती है, सच से बताना आयनकोजी, क्या तुमने सच में एंजॉय किया है? क्योंकि मैंने तुम्हें पूरा दिन हंसते हुए नहीं देखा है। ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई तो ये है कि मैं आज तक कभी हंसा ही नहीं हूँ। और सोचता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं हंस नहीं सकता हूँ, पर तुम मेरे हंसी के काबिल ही नहीं हो। तब साटो आयनकोजी को प्रपोज कर देती है। तब आयनकोजी मना कर देता है। तब साटो कहती है, क्या तुम इसका रीजन बता सकते हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे आज तक कभी किसी के लिए कोई फीलिंग महसूस नहीं हुई, और मुझे लगता है कि मैं अभी प्यार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब साटो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, और यहाँ हम देखते हैं कारुजावा छुप के उनकी बातें सुन रही होती है। तब आयनकोजी उसे बाहर बुला लेता है। तब कारुजावा कहती है, आखिरकार तुमने उसे मना क्यों किया? अगर तुम मेरे पास हो तो मुझे उसकी जरूरत ही क्या है? क्या तुम सच में लोगों को एक टूल की तरह देखते हो? और क्या सच में तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? तब आयनकोजी हाँ कहता है। तब कारुजावा आयनकोजी को एक गिफ्ट देती है, और आयनकोजी भी उसे कोल्ड की दवाई देता है और कहता है, उस दिन तुम पानी से पूरी भीगी हुई थी जिस वजह से मुझे लगा कि तुम बीमार पड़ जाओगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब कारुजावा सोचती है, इसका कुछ नहीं हो सकता, पर शुक्र है कम से कम मुझे ये तो पता चला कि ये मेरे बारे में चिंता करता है। और तब वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तब आयनकोजी सोचता है, अब इसके बाद ये मुझ पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगी। मैंने उस टाइम इसे सब कुछ खत्म करने के लिए कहा था ताकि इसके अंदर कुछ रिग्रेट्स पैदा हो,
और तब तक इसे बचाने का वेट किया जब तक ये बस टूटने ही वाली थी, और सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग गया। और अब जब मैंने इसे बचा लिया है तो अब ये मुझ पर पूरा भरोसा कर रही है। कारुजावा ने मुझे धोखा ना देकर अपनी लॉयल्टी भी प्रूफ कर दी है, पर फिर भी लगता है कि मैं अभी भी उसी व्हाइट रूम में हूँ। क्या मैं कभी लोगों को अपनी कठपुतली के अलावा कुछ समझ पाऊंगा? जो रिलेशंस मैंने अभी तक बनाए हैं, क्या वो कभी मुझे चेंज भी कर पाएंगे? और तब वो दोनों अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, और तब यहाँ साक्या नागी आइनकोजी से मिलने आती है और कहती है, मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तुम उस व्हाइट रूम के अल्टीमेट पीस हो जो कि तुम्हारे फादर ने बनाया है, पर मेरे हिसाब से तुम एक फॉल्स जीनियस हो, तो इसलिए मैं तुम्हें अब दफना दूंगी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी है कि तुम मुझे दफना सको? और इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है। अब गाइस आपको सीजन 2 कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।